आइए सुनते हैं डॉक्टर पद्मा शर्मा की लिखी कहानी अर्धांगनी। डोरबेल बजते ही मनीषा ने पहले दीवार घड़ी पर निगाह डाली। मन ही मन वह सोचने लगी कि अभी तो इनके आने का समय नहीं हुआ है, पता नहीं कौन है। दरवाजा खोलकर देखा तो अपनी प्रिय सहेली संगीता को खड़ा पाया। वह उत्साह से उसके गले लग गई, उसका हाथ पकड़कर अंदर लाते हुए बोली, घर कब आई? बस कल ही, कहते हुए संगीता ने अपना बैग टेबल पर लापरवाही से पटक दिया और आराम से सोफे में धस गई। और सुना क्या हाल है? कहते हुए उसने मनीषा का हाथ पकड़कर लगभग खींचते हुए उसे अपने पास बिठा लिया। मनीषा हाथ छुड़ाते हुए बोली, तेरे लिए पानी तो ले आऊं? संगीता बोली, मुझे प्यास लगेगी तो मैं खुद भरकर पी लूंगी। और सुन, मुझे चाय वाय भी नहीं पीना है, बस तू आराम से मेरे पास बैठ जा। तभी बेटे नवनीत की आवाज आई तो मनीषा को जाना ही पड़ा। उसके जाने के बाद संगीता ड्राइंग रूम का मुआयना करने लगी। वह कमरा ड्राइंग रूम के साथ साथ एक व्यक्ति के लेटने का कक्ष भी था। वह सोचने लगी, कुछ भी तो नहीं बदला, यहाँ उसके ससुर जी सोते होंगे। नीचे एक कमरा अंदर बना है जो मनीषा का है, ऊपर देवर रहते हैं। ससुर व्यापारी हैं और देवर एक दुकान के मालिक हैं। मनीषा के पति नरेश एक ऑफिस में कार्यरत हैं, ननद भी वहाँ योग्य है। मनीषा लौट कर आई तो संगीता का ध्यान भंग हो गया। वह दरवाजे पर ही खड़ी होकर उससे कह रही थी कि चल अंदर आजा, मेरे कमरे में वहीं बैठेंगे। अंदर 5 वर्षीय नवनीत होमवर्क कर रहा था। चारों तरफ कॉपी किताबें बिखरी पड़ी थी। मनीषा ने कहा, मैं इसे होमवर्क करा रही थी, आजकल स्कूलों में बहुत काम मिलता है, इसके प्रोजेक्ट भी पूरे करवाना है। संगीता ने पूछा, जीजाजी नहीं करवाते? उसने शुष्क आवाज में कहा, तुम्हें तो पता है उनका टाइम फिक्स है, वे ऑफिस से आकर टहलने निकल जाते हैं, उसके बाद भोजन फिर मंदिर, लौट कर टीवी देखना और सो जाना। अपनी बात बीच में ही छोड़कर उसने विषय बदलते हुए कहा, जल्दी बता, चाय बनाऊं या कॉफी? संगीता ने फिर से उसे जबरन बिठाते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं पीना, तो आराम से यहां बैठ, मुझे तुझसे ढेर सारी बातें करना है। मनीषा बैठ गई, पुरानी बातें हुई, सबके हालचाल पूछे गए, पर मनीषा व्यग्र हो रही थी। थोड़ी देर बाद मनीषा फिर से बोली, अच्छा चल किचन में ही चलते हैं, तेरे लिए चाय बनाऊंगी, वहीं बातें भी करेंगे और साथ साथ खाने की तैयारी भी कर लूंगी। संगीता ने तर्क किया, मुझे खाना वाना नहीं खाना है। मनीषा कुछ झिझकते हुए बोली, तेरे लिए नहीं सबके लिए खाना बनाना है। संगीता मनीषा के साथ किचन में आ गई। संगीता ने फिर पूछा, मम्मी जी कहाँ हैं? उसने संक्षिप्त उत्तर दिया, मंदिर गई हैं। मनीषा को शांत देखकर संगीता चहकते हुए बोली, तनख्वाह कितनी बढ़ रही है, सुना है तू तो अब मालामाल हो जाएगी, बता कितना फायदा हो रहा है? पता नहीं, वही सरल सा उत्तर हमेशा की तरह उसने दिया। अच्छा बता, अभी कितनी पगार मिल रही है? संगीता हिसाब लगाने को आतुर थी। उसका फिर वही उत्तर था, मुझे नहीं पता। दरअसल तुझे तो मालूम है, मैंने शादी के बाद से नहीं जानना चाहा कि मुझे कितनी तनख्वाह मिलती है। वेतन बैंक में जमा हो जाता है, इन्हें जितनी जरूरत होती है एटीएम से निकाल लेते हैं, पूछती हूँ फिर भूल जाती हूँ। संगीता जानती थी कि मनीषा को ज्यादा वेतन मिलता है और उसके पति को कम। वह वेतन संबंधी कोई भी बात करती है तो उन्हें लगता है तनख्वाह की धौंस दिखा रही है। फिर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का भी प्रश्न था। गृहस्थी अच्छी तरह चलती रहे इसलिए उसने आर्थिक मुद्दों में कभी हिस्सा नहीं लिया या ना ही हस्तक्षेप किया। संगीता झल्ला कर बोली, देख मनीषा, ये सीधापन और सरलता नहीं है, तेरा बुद्धूपन है। सीधा बनकर रहना और एक्टिव बनकर रहना, दोनों में अंतर है। तू कब अपने आप को एक्टिव बनाएगी? कॉलेज का एक प्राध्यापक ये कहे कि उसे नहीं मालूम उसे कितनी तनख्वाह मिलती है, कोई सुनेगा तो यह नहीं समझेगा कि तू कितनी सीधी है, वो तुझे मूर्ख समझेगा। और यह तेरा सीधापन नहीं बुद्धूपन है, इसका लोग फायदा उठाएंगे, तू अपने आप में कब परिवर्तन लाएगी? संगीता का लंबा चौड़ा भाषण शुरू हो गया था। थोड़ा रुक कर फिर बोली, अपनी दशा देख, साड़ी बेतरतीब है, बाल बिखर रहे हैं,
पैरों की एड़ियां फट रही हैं, गला सूना पड़ा है। मुझे मालूम है ऐसे ही कॉलेज हो आई होगी। मनसा की आंखों में पानी तैर आया था। वह धीरे से बोली, क्या करूं, घर के काम से फुर्सत ही नहीं मिलती। रात को थक कर चूर हो जाती हूं, सुबह जल्दी उठकर क्लास का लेक्चर तैयार करती हूं। नवनीत का टिफिन तैयार करना और नाश्ते की तैयारी करना, समय कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। बस भागते दौड़ते कॉलेज जाती हूं। और देवरानी, संगीता ने प्रश्न उछाला। मनीषा बोली, वह सुबह का खाना बनाती है, मैं शाम का। चाय उबल रही थी, उसमें खदबदाहट थी। ऐसी ही खदबदाहट संगीता के अंदर भी थी। काम करते करते मनीषा ने पूछा, कब तक रुकी हो? उसने उत्तर दिया, बस परसों चली जाऊंगी। मनीषा ने आग्रह करते हुए कहा, अगले माह ननद की शादी है, पिछले महीने सगाई हो गई है, तू शादी में आएगी ना? संगीता ने कहा, तुम लोग क्या दे रहे हो? उसका वही उत्तर था, पता नहीं। संगीता को उस पर गुस्सा आने लगा, लेकिन वह कुछ कह नहीं पाई। संगीता जाते जाते चेता गई, तुझसे तो अच्छी मेरी जिंदगी है, घरेलू महिला हूं पर अपनी जिंदगी अपने हिसाब से तो जी रही हूं। अच्छा बनने का लेबल चिपकाने के चक्कर में कब तक घुटेगी? देख, कोई नहीं पूछेगा तेरी अच्छाई को, एक्टिव बन। मनीषा और संगीता कक्षा 5 से लेकर बीए तक साथ साथ पढ़ी हैं। संगीता का मन आगे पढ़ने में नहीं लगा तो माँ बाप ने उसकी शादी कर दी। मनीषा के पिता की किताबों की दुकान थी। पिताजी किताबें लेने जाते तो कभी कभी मनीषा भी दुकान पर बैठ जाती। चार बहन भाइयों का पालन गरीबी में किस जद्दोजहद में होता है, यह सब मनीषा ने देखा है। घर की हालत देखकर उसने संकल्प ले लिया था कि वह अच्छी नौकरी करेगी। उसने मेहनत की और कॉलेज में सहायक प्राध्यापक बन गई। अपनी तनख्वाह वह अपने घर वालों पर जी भर कर खर्च भी नहीं कर पाई थी कि अच्छा घर मिलते ही उसके पिताजी ने उसकी शादी कर दी। मनीषा के मन में भी प्रश्न उछल रहा था। रात में उसने नरेश से पूछा कि हम शादी में क्या देंगे। नरेश ने टालते हुए कहा, देख लेंगे, अभी कुछ सोचा नहीं है। मनीषा बिस्तर पर लेटी थी। संगीता के शब्द उसके मस्तिष्क पर बार बार प्रहार कर रहे थे। तुझे ये भी नहीं पता तुझे कितनी तनख्वाह मिलती है? मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीती हूं। मनीषा बुदबुदाई, संगीता तुम्हें कैसे बताऊं कि मैं क्यों इन सब के हिसाब में चलती हूं, तुम्हें नहीं पता। इनके परिवार में ताऊजी के लड़के ने गुस्से में आकर पत्नी को छोड़ दिया। मैं जानती हूं भाभी जी की हालत क्या हो गई है। डर लगता है मुझसे ऐसी गलती न हो जाए कि मेरा भी वही हाल हो। पिताजी पर क्या गुजरेगी? दो बहनें अभी शादी के लिए हैं, उनकी शादी में बाधा आ जाएगी। सोचते हुए उसकी आंख की कोर से आंसू बह निकले। समय जल्दी ही व्यतीत हो गया। ननद की शादी करीब आ गई। शादी की रस्में पूरी होने लगी। घर में मेहमान भी आ गए। सासू मां चौकी पर बैठी बुलावे में दिए जाने वाले बटोनी की थैली में भरवा रही है। बुआ सास उसमें एक एक कटोरी बतासे भरकर मौसी सास को देती जा रही है। बुआ जी ने पूछा, घर में कौन कौन क्या क्या दे रहा है? मम्मी जी ने वही घिसा पिटा उत्तर दिया, दे देंगे जो बनेगा। मौसी ने पूछा, नरेश और महेश क्या दे रहे हैं? मम्मी का वही उत्तर, पता नहीं। बुआ जी बोली, सगाई तो अच्छी चढ़ा दी, सुना है कार भी दी है। तभी देवरानी निशा बोली, मम्मी जी ऐसी बातें क्यों कर रही हो? ये तो तुम्हें भी मालूम होगा तुम्हारे बेटों ने क्या दिया है। वे फिर से नकारने लगी, कुछ नहीं दिया। अब कहां निशा चुप रहने वाली थी, वह मुफट वैसे भी थी। वह बोली, मम्मी जी 30,000 दिए हैं, मामूली दुकान है तब भी इतना कर दिया। सुनकर मम्मी जी का चेहरा सफेद पड़ गया। मनीषा निरुत्तर थी। उसे तो मालूम ही नहीं था कि नरेश ने कितना रुपया लगाया है या कितना देने के लिए सोच रहा है। बुआ जी बोल पड़ी, चलो जाकी तो छोटी दुकान है, जाने 30,000 लगा दिए, ये तो दो जने कमाते हैं, कुछ तो देने ही चाहिए। ननद की शादी कौन बार बार होते? तुम्हारी बहन की शादी होगी तो तुम कुछ नहीं दोगी क्या? बहना अपनी तेरी को फर्क मत करो। तब तक ननद भी आ गई थी। उसने भी तर्क देते हुए कहा, और क्या बुआ जी, कुछ नहीं दिया, इनके बच्चों को
दिन दिन भर रखा तभी ये नौकरी कर पाई। मनीषा की आंखें डबडब आई, वह जमीन में गड़ी जा रही थी। यह तो वही जानती है कि बच्चों के कारण दिन रात नौकरानियों की तरह घर में जुटी रही, पूरे घर के कपड़े धोना, झाड़ू पोंछना, बर्तन सभी काम में बह लगी रहती थी। कभी उफ तक नहीं की और ना ही किसी को कहने का मौका दिया कि नौकरी करती है तो घर का काम नहीं करती, बल्कि और अधिक मर्यादा से बह रही। अचानक नरेश कहीं से वापस आ गए। ननद के शब्द उनके कानों में पड़ चुके थे। वे हस्तक्षेप करते हुए बोले, तुम्हारी सगाई में जो कार गई है उसका पूरा 1.25 लाख हमने दिया है। ननद शांत रह गई, फिर मम्मी की ओर मुखातिब होकर बोले, मम्मी तुम्हें मालूम नहीं हमने क्या दिया है? मम्मी जी का चेहरा सफेद पड़ गया। मनीषा अंदर दौड़ी चली गई। आज तो उसके सब्र का बांध टूट गया। उसे तो नरेश पर गुस्सा आ रहा था। सबको पता है, बस मुझे ही नहीं पता। निशा को भी मालूम है कि उसने कितना रुपए दिया है। रह रहकर संगीता की बातें कानों में गूंज रही थी। सीधा होना और एक्टिव होना दोनों में अंतर है। वह ठीक कहती है, हर आय व्यय का विवरण मालूम होना चाहिए। आज मुझे मालूम होता तो मैं भी कह देती, यूं जलील तो नहीं होती। नरेश अंदर आए, उसे फूट फूट कर रोता देखकर बोले, शांत हो जाओ। मनीषा का लावा फूट पड़ा, मैंने तुमसे कभी तनख्वाह का हिसाब नहीं लिया। मुझे यह तक नहीं मालूम कि तुम्हें तनख्वाह कितनी मिलती है। मुझे यह तक नहीं मालूम तुमने सगाई में क्या दिया। निशा को मालूम है उसने क्या दिया। मालूम नहीं है तो बस मुझे। मैंने घर वालों का सहयोग करने के लिए आपको कभी मना नहीं किया, फिर क्यों आप एक माह से सहबात छिपाए हुए हैं? मैं अर्धांगनी हूं आपकी, क्या इतना भी अधिकार नहीं है मेरा कि मैं ये सब जान सकूं? उसका यह रूप देखकर नरेश स्तब्ध रह गया। शादी के 7 वर्ष बाद पहली बार उसका यह रूप देखा है। वह आज अर्धांगनी के अधिकार मांग रही है। नरेश डबल बेड पर बैठ गया। उसको उठाते हुए बोला, रोना बंद करो, मेरी गलती रही कि मैंने तुम्हें राजदार नहीं बनाया, आगे से ऐसा नहीं होगा। मनीषा स्तब्ध थी। 7 वर्षों में पहली बार नरेश अपनी गलती स्वीकार कर रहे थे।